भाई साहब मोमोज तो एक नंबर है यार, देख रहे हो मैं पूरा चाट गया और लहर रहा है इतना ना भाई मेरा मुंह, पूछो मत। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। भाई सुबह सुबह यार कल रात में खिचड़ी बना था ना, तो रोटी वगैरह तो था नहीं, ब्रेड भी नहीं लाया, इसी की वजह से चना गुड़ खाना पड़ रहा है। बाकी आज तो एकदम टॉप पे आया हूँ, मैं आपको व्यू दिखलाता हूँ। ये देखो जी भाई साहब व्यू, और बच्चे भी अच्छे से आज दिख रहे हैं। बच्चे नहीं यार भाई लोग, देखो फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं ना, तो अच्छे से दिख रहे हैं एकदम। बाकी ये रहा अपना चना गुड़ है, और टॉप का भी व्यू देख सकते हो। ये चेयर वगैरह टूटा पड़ा है भाई, अगर बढ़िया रहता ना तो मैं आके यहाँ पे बैठता भी। खैर बड़ा ऊंचा ऊंचा सा फील आ रहा है, देखो यहाँ पे अपन आके आगे मैं आपको दिखलाता था, लेकिन आज तो एकदम दो ताले पे अपन आए हुए हैं, क्या बात है। आज थोड़ा सा ज़्यादा ही डिले हो गया भाई, 7:30 हो गया अभी। फाइनली भाई अपना चना तो ख़त्म कर दिया फटाफट यार, आज थोड़ा दुकानदारी भी अच्छा होगा ना, तो इसकी वजह से दुकान को जल्दी खोलना बनता है ना, समझ रहे हो ना। देख रहे हो भाई कितनी गाड़ी अपनी गंदी हो चुकी है, ओ माय गॉड। पहुंच गया जी भाई दुकान पे, कान भी लगा दिया जी, पापा के लिए सेव भी ले लिया भाई। पापा अचार तो ले आए, पता है मुल्ली का नहीं मिला यार, आम का ही ले आए मजबूरन। अभी मैं जा रहा हूँ भाई ब्रेड लेने और ये क्या बोलते हो दूध लेने। लो जी भाई सब चीज तो ला दिया। सोनम जल्दी जागना मुझे यार, इस लड़के का तो अलग ही नाटक है, बोल पहले सिटी मर रही बना दे यार, भूख लाल भाई। मैं आपको टाइम दिखाऊं तो रुकना जरा भाई साहब, आप देख सकते हो अपने आँखों से 12 बजने वाला है भाई, बस थोड़ा सा चना पे ही हूँ मैं 12 बजे तक। ओहो तो अभी भाई अपना लंच वंच तो हो गया, चाय भी पी लिया, चाय पीने के बाद थोड़ा काम निपटाया, देन उसके बाद अपना अभी लंच करा मैंने। पता है आज बना था दम और चावल। अभी ये आप जो देख रहे हो ना, ये पता है सरसों का तेल नहीं, ये घड़ी का तेल है। मैं मॉइस्चराइजर वगैरह यूज नहीं करता भाई, मज़ा नहीं आता यार, इसीलिए ठंडे के दिन में घड़ी का तेल ही लगा लेता हूँ। सुबह भूल गया था यार लगाना, इसीलिए सोचा अभी लगा लेता हूँ। पता है पैर वगैरह भाई उज्जर उज्जर एकदम हो जा रहा है, जैसे थोड़ा सा भी ऐसे खरोचोगे ना देखो दाग हो जा रहा है। ठंडा में यही प्रॉब्लम होता है भाई, फेस के लिए तो मॉइस्चराइजर ही यूज करता हूँ, लेकिन बॉडी में मेरे लिए घड़ी का तेल ही अच्छा रहता है भाई। बहन भी यूज करती है, पापा भी यही यूज करते हैं। तो अभी भाई दुकान से आके मैं थोड़ा अपना काम निपटा रहा था, इधर बहन चावल भून चुकी है और अचार तोड़ रही है भाई, क्योंकि मैं ज़्यादा अचार खाता नहीं है ना, इसीलिए आधा अचार इसको ही दे दिया। बाकी नाश्ते के लिए तो यही बढ़िया है भाई, आल जाल से समझ रहे हो ना, सुबह ब्रेड खाया हूँ तो पेट में थोड़ा सा तो गड़बड़ है भाई, थोड़ा सा तो गड़बड़ है क्योंकि मैदे का रहता है ना, इसीलिए मैं वो सब इग्नोर करता हूँ भाई। बाकी अभी मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँगा, देखो टाइम 5 बज गया, अंधेरा अभी हो गया, बताओ 6 बजे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। ओ माय गॉड, काका बनी सुनो बताओ जल्दी है। हम तो भाई कह दें सीधा सीधी गोभी आलू के दम बनावा और पूड़ी बनावा। अरे भाई होता ना महंगा, गोभी बस 60 रुपये किलो, तुरंत तीता तीता लगाता है। तो सोयाबीन को ले लें, आलू सोयाबीन के बने भी फिर पापा ना खाइए, बताओ आलू सब्जी मजा ना है यार पूड़ी साथ है, बिल्कुल ना हमारा अच्छा ना लगे। गोभी बनाओ ना, कल बैगन बना दिया, बुची ना बुची ना, जाते रिफाइंड ले आओ, आटा बाय है देख ले बढ़िया से देख के बताओ तभी ना लाई मैं। यार ये लड़की भाई समझ ही नहीं आता क्या चाहती है, अभी तो सो के आ रही है, बताओ कब से सोई थी इसको हैं करके देख के बता ना जल्दी। चलते हैं जी भाई सामान लेके आ जाते हैं। तो अभी भाई दुकान पे तो नहीं गया मैं, मोमोज खाने आ गया भाई के दुकान पे। इनसे आप मिले हो गए पता है ये कौन है, कौन सा मूवी देखने गए थे अपन, बाकी इनका ये शॉप है, मोमोज निकल गए अपना खाते हैं, देन उसके बाद दुकान पे चलते हैं भाई अपना सामान लाने। लो जी भाई अपना मोमोज आ चुका है, इसमें वेज पनीर सोया तीनों मोमोज भाई ने दिया है यार, तीनों अलग अलग शेप का है, क्या बात है कि यार मेयोनीज मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सिर्फ तीखा वाला ही चटनी लिया है। अब थोड़ा खाते हैं और टेस्ट करते हैं भाई का मोमोज पहली बार। भाई साहब मोमोज तो एक नंबर है यार, देख रहे हो मैं पूरा चाट गया और लहर रहा है इतना ना भाई मेरा मुँह, पूछो मत। भाई का आप दुकान देख सकते हो यार, इनका लाइट भी कट गया, लाइट जलाओ ना यार, देखो तार भी टूट गया भाई का, अभी बड़ा तीता था यार, मैं दिखा तो रहता है चट्टी तो भाई, मैं मेयोनीज नहीं लिया ना भाई, जल रहा है एकदम, कितना भाई बताओ ना हमारे भाई, ये तीखा तो खत्म होने का नाम ही नहीं रहा, देख रहे हो भाई का यही स्टॉल है, क्या बात है, ओए होए होए मस्त लग रहा है यार आगे से देखने में। बाकी अब चलते हैं यार सामान लेने, ये तो बहन अलग गाली देगी लेट होगा तो। भाई दुकान पे तो आ गया मैं सामान लेने, गोभी लेना है यार, पूरा सेट खाली हो गया, उधर जाना पड़ेगा तब अपने को गोभी मिलेगा। बाकी ऋतिक तो दौड़ रहा है, रात में क्यों दौड़ रहा है बे,
गाड़ी चला रहा है भाई आजकल, ये भिक्की चला रहा है लौंडा। छोड़ो ये सब बात यार, पहले कोबी ढूंढने दो, नहीं मिला तो फिर लफड़ा हो जाएगा। पिताजी तो भाई कोबी लाने गए मेरे को दुकान पे बैठा के, वही ढूंढ के सस्ता सुस्ता लाएंगे कोबी, और एक दो सामान भी है ना, देखता हूँ सामान लाएंगे, नहीं तो फिर मैं ही जाके लाऊंगा सामान। अभी थोड़ा दुकान चला लेता हूँ, कोई तो ले लो आलू, कोई तो ले लो प्याज, भाई कोई कस्टमर ही नहीं है, देख रहे हो एकदम खाली पड़ा है मेरा दुकान। ओहो हो सोनम सोनम, अरे बहुत भारी में मर्द कहाँ रखी हो लाधनी भाई, पूरा सामान तो ले आया आप देख सकते हो, और इसके लिए एक ये कुरकुरा भी ले आया। कुरकुरा लाते ही टूट पड़ी वो भाई, फ्लेवर का कुरकुरा बड़ा बेकार था यार, बहन मेरे पे खिसियाने लगे, बताओ कैसे कैसे जान बचा के निकला वहाँ से। अब चलो भाई फटाक से दुकान पे चलते हैं। अभी भाई अपना दुकान तो बंद हो चुका है, नया वाला आलू ले लिया हूँ एक झोला यार, देख रहे हो इसको धो के कर लाऊंगा ना, तब जाके अपन बेचेंगे इसको, ऐसे कोई ले ही नहीं रहा इसको। चला हो तो इस वाले ब्लॉग के लिए भाई बस इतना ही रखते हैं, डिनर करके तो मज़ा आ गया था, पूड़ी और आलू दम का बात ही अलग होता है। मैं आज नेक्स्ट डे एंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई थका था, सो गया यार, गेम खेल के सो ही गया। चलो मिलते हैं आपसे जल्दी नया ब्लॉग में, ब्लॉग देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय, गुड नाइट नहीं बोल सकता भाई अभी तो दिन है ना।